रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबरा डॉट में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम बाइक का रिव्यू करेंगे। ये 2006 का मॉडल है दोस्तों, ये मुकम्मल बाइक हमने तैयार की है। 2006 मॉडल है लेकिन 2010 मॉडल के अंदर इसको तैयार कर दिए और ये पूरी बाइक हमने तैयार की है। और इस पर कितना खर्चा आया दोस्तों और इस पर क्या क्या चीजें हम स्टोर की हैं और कौन कौन से पार्ट्स इसके हमने न्यू स्टोर किए हैं दोस्तों, इसको मुकम्मल रिव्यू करेंगे। आपका कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछे कि अंदर कितना खर्चा आया दोस्तों और ये कितने में बाइक तैयार हुई है दोस्तों। जी तो दोस्तों सबसे पहले आप ये कंडीशन देख लें, जी तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो फ्यूल टैंक इसका रीपेंट है और ये जो स्टिकर है दोस्तों ये ओरिजिनल स्टिकर है इसका और ये मोनोग्राम भी दोस्तों ओरिजिनल है जेन्युइन। और इसके बाद इसके जो साइड कवर हैं दोस्तों ये भी भट्टी पेंट किए गए हैं, सीट न्यू इंस्टॉल की गई है। इसके अलावा तो दोस्तों इसका जो हैंडल है दोस्तों स्टोर किया गया है, सेकेंड हैंड हैंडल है, ये निकल किया गया है। ये आप देखें माशाल्लाह निकल भी बहुत प्यारा है। तो असेंबली की बात करें तो असेंबली इसकी सेकेंड हैंड है, रिस्टोर की गई है। ये आप देख सकते हैं कि इसका एक बटन भी निकला हुआ है, तो बटन मेरे पास पड़ा है लेकिन मैं वो भी लगाना है। इसकी जो ग्रिप है ये भी सेकेंड हैंड है, रिस्टोर की गई है। इसी तरीके से दोस्तों ये दोनों असेंबली है इसकी, ये भी अपनी है पुरानी, रिस्टोर की गई है। ग्रिपें भी इसकी अपनी पुरानी सेकेंड हैंड है। इग्निशन स्विच है दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं कि इसका रिस्टोर किया गया है, ये भी पुराना है। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर कंपनी का इसमें इंस्टॉल पहले से हुआ हुआ था। तो उसके बाद इसके इंडिकेटर की बात करें तो दोस्तों इंडिकेटर इसके न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। हेडलाइट मुकम्मल न्यू इंस्टॉल की गई है, ये देखिए हेडलाइट मुकम्मल न्यू इंस्टॉल की गई है, इंडिकेटर इसके न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। शॉक मोनोग्राम की जगह पर एक रिफ्लेक्टर हमने न्यू इंस्टॉल किया है, हॉर्न इसका अपना पुराना जेन्युइन है दोस्तों। उसके बाद साइड के जो रिफ्लेक्टर हैं ये न्यू इंस्टॉल किए गए हैं कान के, ये दोनों दोस्तों न्यू इंस्टॉल किए गए हैं और ये साइड का भी, ये तीनों रिफ्लेक्टर न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। और ये जो जम कान है दोस्तों ये इसके सेकेंड हैंड है, पेंट किए गए हैं। जम के गिलास बड़े वाले ये भी पुराने रिस्टोर किए गए हैं और जो छोटे वाले गिलास हैं दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। मरगार्ड इसका जेन्युइन है दोस्तों, अपना रिस्टोर किया गया है दोबारा। और इसी तरीके से अगर ये ड्रमों की बात करें इसके जंपों की तो ये आप देख सकते हैं कि ये पॉलिश की गई है, सान किया गया है, इसके पुराने रिस्टोर किए गए हैं। ड्रम इसके पुराना अपने हैं ओरिजिनल जेन्युइन, ये भी रिस्टोर किए गए हैं, इनको पॉलिश किए गए हैं जिसको सान बोलते हैं, तो ये सान किए गए हैं। और जितने नट बोल्ट हैं दोस्तों ये नट बोल्ट हैं, ये पट्टियाँ हैं, ये सारी जिंक की गई हैं। जैसे जीरो मीटर गाड़ी में जिंक आती हैं ये जिंक की गई हैं। स्पोकेज हैं दोस्तों ये क्रोम वाली न्यू इंस्टॉल की गई हैं और रिम इसके अपने पुराने जेन्युइन हैं, ये भी रिस्टोर किए गए। रिम भी दोस्तों पुराने रिस्टोर किए गए हैं। अब इसी तरीके से साइड से हम बात कर लेते हैं, इस साइड से तो इंजन के अंदर दोस्तों इसके अंदर जो काम किया गया है ये आप देख सकते हैं कि रोकर पिन इसमें जेन्युइन एटलस की इंस्टॉल की गई है, केम ग्रारी न्यू इंस्टॉल की गई है। और मैग्नेट कवर दोस्तों ये भट्टी पेंट है। कलर का जो जितना भी सामान है दोस्तों ये सारा भट्टी पेंट किया गया है। और इसके नट बोल्ट जितने भी हैं आप देख सकते हैं ये सारे जिंक करा दिए हैं, गैलोनाइज करा दिए हैं, जैसे न्यू बाइक के अंदर होते हैं जीरो मीटर बाइक में। आप ये देख सकते हैं ये सारे जिंक करा दिए, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों इसका ये जो झूला है चिमटा है ये भी भट्टी पेंट है। चैन कवर इसका न्यू इंस्टॉल किया गया है, फुटरेस्ट न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। और पिछले जंप दोस्तों इसके अपने जेन्युइन है, ये रिस्टोर किए गए हैं, ये जेन्युइन जंप है। इसी तरीके से दोस्तों पिछले इंडिकेटर भी न्यू इंस्टॉल किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। मरगार्ड इसका जेन्युइन है दोस्तों पुराना, ये रिस्टोर किया गया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। बैकलाइट और इंडिकेटर न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। और बाकी ये साइलेंसर की अगर बात करें, साइलेंसर इसका अपना जेन्युइन है दोस्तों। ड्रम और रिम पीछे का दोस्तों ये भी इसका जेन्युइन है, अपना रिस्टोर किया गया है, इसका अपना जेन्युइन है। इस स्पोके जो है दोस्तों ये क्रोम वाली इंस्टॉल की गई हैं, ये इसी तरीके से दोस्तों ये ड्रम दोनों अगले पिछले ये सान किए गए हैं। और नट बोल्ट जितने भी हैं दोस्तों ये जिंक किए गए। और साइलेंसर जो है दोस्तों इसका अपना पुराना जेन्युइन है, इसको क्रोम और निकल नहीं किया गया, ये इसका अपना जेन्युइन है, जेन्युइन कंडीशन पर इसका 2006 का। ये आप देखें कार्बोरेटर तक इसका अपना ओरिजिनल दोस्तों जेन्युइन है, ये बिल्कुल वॉश करके साफ सुथरा कर दिए।
कार्बेटर भी इसका अपना जेनवन है दोस्तों। इसका क्लच कवर जो है दोस्तों ये भट्टी बैंड है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको मुकम्मल जो हमने बाइक तैयार की है इसके ऊपर जो खर्चा है ये भी आपको मैं बताता हूँ, और पहले जो है मैं आपको साउंड चेक करा दूं बाइक का कि साउंड कैसा है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह साउंड भी बहुत प्यारा है बाइक का। तो दोस्तों ये पूरी मुकम्मल बाइक जो हमने तैयार की है इसके ऊपर जो खर्चा हमारा हुआ है दोस्तों 28,500 रुपये। तो दोस्तों 28,500 रुपये में ये बाइक हमारी सारी रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इंजन का साउंड भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आपको ये बाइक कैसी लगी है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।